राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष फारूक जी राणा, देशवाही समाज के सदर सजवार खान जी, शौकत अली भाटी जी, राजू भाई देशवाली और मंच पर विराजित देशवाली समाज के सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने हमारी देशवाली कौम के विराजे हुए सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, सबसे पहले तो मैं इस देशवाली वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम, पूरे आयोजकों को तहे दिल से बधाई देता हूं जो इन्होंने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन करा और हमारे देशवाली समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का ये कार्य किया है। दोस्तों, हम उस मजहब, हम उस कौम को मानने वाले हैं जिसके नबी ने 1400 साल पहले, जब ना मोटरसाइकिल थी, ना साइकिलें थी, ना हवाई जहाज था, 1400 साल पहले ये ऐलान किया था कि अगर इल्म के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जरूर जाओ। और डीडवाना आवा नगरी का नाम हमेशा इसी तरह के सामाजिक कार्यों में अव्वल रहता है। यहाँ पर रक्तदान शिविर भी बड़ी विशाल संख्या में यहाँ के युवाओं द्वारा किए जाते हैं। प्रतिभाओं के सम्मान समारोह भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आयोजित होते हैं और जो विशाल प्रतिभाएं मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, निश्चित रूप से जो मुसलमान, जो देशवाली समाज है डीडवाना का और यहाँ नागौर जिले का, तरक्की की ओर है। आज किसी भी समाज को, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो है तालीम। तालीम ही तरक्की का रास्ता है और इंशाल्लाह जो मंजर में देख रहा हूँ, अगर इसी तरीके से हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम कौम का विकास निश्चित रूप से होगा। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लेके हमारी प्रतिभाओं के लिए सिर्फ दो लाइन जरूर कहूंगा कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कि आज शिद्दत से कोशिश करो चिराग बनने की, क्या पता कल ये जहां रोशन तुम्ही से हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुंशिफ अली, आपने चंद समय में आपने जिस प्रकार से उद्बोधन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में सरकारी सेवा में एक बालिका का नाम रहेगा।